हमें कमिश्नर साहब ने बुलाया है। मैंने बुलवाया है। मैं हूं इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। ओह, आपके एक मुलाजिम नाटोर का खून हुआ। हमें नहीं मालूम वो कौन है। चौंकने की कोई जरूरत नहीं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, कल दोपहर आप कहां थे? हमारे पास सबूत है, कलेक्टर साहब के पास थे, चाहो तो पता करवा लो। तो खून आपने किया नहीं, करवाया है। हवेली पे आ जाना। ए, क्या है हवेली पे? हैं? हवेली पे आ जाना। क्या करना है हवेली पे? हवेली पे आ जाना। ए, क्या करना है हवेली पे? हैं? हवेली पे आ जा, हवेली पे आ जाना। हवेली पे क्या बोला? हवेली पे आ जाना। क्या कर लेगा हवेली पर? हवेली पे आ जा। कहाँ है हवेली पे? क्या कर लेगा हवेली पर? तू मुझे घुस खिलाएगा हवेली पे? अरे तेरे बड़े बड़े अफसर आते हैं हवेली पे, तू भी आ जाना। अरे मैं थूकता हूँ ऐसे अफसरों पर, थूकता हूँ। मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं। हवेली पे आ जाना। क्या कहा रामदादा? बोल फिर से, बोल क्या कहा तूने? मैं किसी पे हाथ डाला? फिर बता। कमिश्नर को गाली देता? कमिश्नर साहब को गाली देता? कमिश्नर विक्रम, अरे क्या कर रहे हैं ये? बोल गाली दे। विक्रम गाली छोड़ दो। नहीं दे गाली, अब चार साल एक चोर के पड़वे। अरे विक्रम, कल यहाँ पे हजारों लोग होंगे, पूरी फोर्स बदलवा के रख दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा। क्या हाहाकार? तेरे बाप का राज है क्या? क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है। क्या बात कर रहे सर? ये बात मैं दिल्ली तक लेकर जाऊंगा। चलिए अभी दिल्ली। मामा ठाकुर मेरी बात सुनिए, ये नया है जोशीला है, इसे माफ कर दीजिए। इसने सबके सामने मेरी गिरेबा पे हाथ डाला है, सबके सामने माफी मांगेगा। मैं तुम्हें हाहाकार मचा के रख दूंगा, तख्ता पलट के रख दूंगा मैं। माफी मांग विक्रम। ये आप क्या कह रहे सर? विक्रम मैं सीनियर की हैसियत से कह रहा हूँ, इनसे माफी मांग लो। ये मुजरिम है सर, इस शहर का सबसे बड़ा मुजरिम। बस मामा ठाकुर, जब तक कोई जुर्म साबित नहीं होता तुम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते, तुम खुद इस बात का फैसला नहीं कर सकते। माफी मांग लो। मैं माफी क्यों मांगू सर? क्योंकि तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, मुझे मजबूरन तुम्हें सस्पेंड करना पड़ेगा। अभी इसी वक्त सस्पेंड कर दो। माई बॉय, वर्दी गई तो क्या कर लोगे इसके खिलाफ? माई डियर बॉय, मांग दो ना माफी। सॉरी, मैं सुना नहीं क्या? आई एम सॉरी। जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूं, जोर से बोल। आई एम सॉरी। जोर से बोल, कम सुनता हूँ, जोर से बोल। ए, इन्होंने कहा एक बार फिर माफी मांगो, हम कम सुनते हैं। इससे शायद आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे। कमिश्नर साहब, मुझे शख्स का ट्रांसफर चाहिए। तीन दफा उसने आपसे माफी मांगी, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर की आप तोहीन इस तरह से करते जाएंगे तो उसका जवाब तो आपको मिलेगा ही। उसने मुझे थप्पड़ मारा, यह बात दिल्ली तक जाएगी। चलो। खून, खून। Oh
अरुण क्या हुआ? अरे राम सिंह तिवारी, अरे जल्दी इधर आओ, चलो जल्दी उठो, उठो जल्दी। कौन थे वो लोग जिन्होंने अरुण पे हमला किया और क्यों? ये तो हम नहीं जानते, पर कल से वो कुछ खून खून कह रहा था। खून खून? कल हमारे वार्डर्स की गलती से वो वल्लभ भाई चौक पे वैन से भाग गया था। वल्लभ भाई चौक पे? क्या ये हो सकता है कि अरुण ने किसी का खून होते देखा हो? कौन जाने, पर हाँ इस हमले से पहले उसने अपने सेल की दीवार पे एक तस्वीर बना रखी थी। तस्वीर? कौन थे वो लोग? कौन थे वो लोग? उन लोगों को अंदर आने दिया? जुल्म किया ना रुपए? बताओ कौन थे वो लोग? बताओ यहाँ के वार्डन पे हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर मेरा बस चलता तो मैं दोनों को जान से मार देता। What? सर उन्होंने अरुण को जान से मारने की कोशिश की। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बताओ। हमको पैसे दिए गए थे। किसने दिए थे पैसे? हमने कभी उन्हें देखा ही नहीं सरकार। गेट आउट, और फिर कभी अपनी सूरत नहीं दिखाना यहाँ। अब सर अरुण का यह रहना खतरे से खाली नहीं। कहना क्या चाहते हो तुम? सर उसने नेटवर्क का खून होते देखा है, वही अकेला उस खून का चश्मदीद गवाह है। उसके वाला बाई चौक से भागने और पकड़े जाने के दरमियान ये खून हुआ है, और ये खून मामा ठाकुर ने करवाया है। लेकिन क्यों? हो सकता है नटवर ज्योति के खून के बारे में कुछ जानता था, हो सकता है ज्योति के खून का कोई सबूत आज भी मौजूद है और उसके पानी से अरुण की बेगुनाही साबित हो जाए। सर मैं अरुण को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, वो बेगुनाह होते हुए भी कैद में है और वो गुनेगार बाहर आजाद घूम रहे। मुझे एक मौका दीजिए सर। विक्रम, मुझे अरुण दे दीजिए सर, मैं मामा ठाकुर के खिलाफ सबूत ले आऊंगा। मगर विक्रम जी, सर ये देश सिर्फ दो ही लोगों पर हंसता है, हिजड़ों पर और हम पुलिस वालों पर, क्योंकि ना ही वो कुछ कर सकते हैं और ना ही हम कुछ कर सकते हैं। कर लो डंडा ऊपर। और कर दो चढ़ाई, मैं तुम्हें अरुण देता हूं, तुम मुझे सबूत दो और मामा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई मैं करूंगा। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। हेलो हेलो, जल्दी बाहर तो शराब के दरिए बहते हैं, कुछ कतरे मेरे लिए भी भेज देना। बाहर जाकर मेरी नौकरी की अर्जी दे देना, ये बीकॉम। आई एम सिक ऑफ यू। बस नौकरी नौकरी, तू जा भाग जा, क्या भाग जा, हम भागे भी तो कहां, हमारा तो कोई रहा ही नहीं बाहर। तू जा, जवाब जा, लड़ जा के इंसाफ के लिए, बेनिकाब कर दे शैतानों को, छत में हो जाए थे, छत में हो जाए थे, इनकलाब। ओ, ये है हमारा जवान, वेलकम। Wow, that's a very good one, son. Come, let's shake hands on this. अरे हाथ मिलाओ जवान, हाथ मिलाओ। There you are. आपकी फिक्र करती है बहन जी, सब ठीक हो जाएगा, अब आप दोनों यही रहेंगे हमारे साथ, समझे जनाब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझे। इस दरो दीवार को देखकर लगता है यूं
कि इस जहां में अपना भी कोई आशियाना हो। अरे वाह, हमारा शेर तो शायरी भी करता है। अरे वाह शाबाश जवान, चलो इसी बात पे तुम्हें आशियाना दिखाते हैं, चलो। अरे चल यार। बड़ा बावला है मेरा बेटा। ऐसा क्यों कहते हो माँ जी, वो तो कितना प्यारा है। लाओ विक्रम बैग मुझे दे दो। लो। मम्मी हम लेंगे। नहीं नहीं चलो हम। मम्मी। ओह नो। माँ जी ये। यही अरुण का प्यार है और यही उसके पागल होने की वजह, सपना। तो ये मामा ठाकुर की। मैं एक फोन करके आता हूं।